हेलो दोस्तों, बात करते हैं आज शिक्षकों की नई वैकेंसीज के रिगार्डिंग। टीजीटी पीजीटी पीआरटी की पदों के लिए इसमें एससी जारी करें, सैलरी आपको टीजीटी लेवल में देखने को मिलेगा। चलिए जानते हैं इसमें कौन कौन सी पोस्ट पिछले आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि पीजीटी मैथ्स के लिए पोस्ट निकल के आ रखी है, पीजीटी इकोनॉमिक्स है, पीजीटी साइकोलॉजी का है, यहाँ पर पीजीटी फिजिकल एजुकेशन का है, और टीजीटी में यहाँ पर फिजिक्स का है, उसके बाद यहाँ पर टीजीटी में इंग्लिश का है, टीजीटी में हिंदी का है, साथ में यहाँ पर जो है टीजीटी में फिजिकल एजुकेशन का है, फिर पीआरटी में यहाँ पर मैथ्स की पोस्ट है, पीआरटी में यहाँ पर जनरल इनकी एसएसटी वाले किए गए हैं, फिर यूडीसी की पोस्ट निकल के आ रखी है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर ग्रेजुएशन पोस्ट है। इसके लिए तो आपका पीआरटी के लिए तो आपके पास बीएड होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, सीटेट होना चाहिए, और यहाँ पर आपके टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में आपके पास सीटेट होना कंपल्सरी है, ठीक है, और पीजीटी में आपके पास यहाँ पर इन सब्जेक्ट में बीएड होना चाहिए, ठीक है, इन सब्जेक्ट में आपके पास बीएड होना चाहिए। इसमें सीटेट की कोई जरूरत नहीं क्योंकि सेंट्रल लेवल की पोस्ट है, ठीक है। और यहाँ पर सैलरी देखिए, सैलरी काफ़ी अच्छी है, पीजीटी में 8th लेवल का पे ग्रेड है, जिसमें 85,000 आपको सैलरी मिलेगी। टीजीटी में देखते हैं यहाँ पर 80,000, ठीक है, 80,000 पे 7th ग्रेड पे है, 80,000 पे मिलेगा। पीआरटी में देखिए 64,000 रुपये सैलरी आपको मिलेगा, और यहाँ पर देखते हैं यूडीसी करके है, इसमें यहाँ पर 48,000 रुपये सैलरी मिलेगा। इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन के लिए ऑफिशियल साइट ये है, और 19 सितंबर को निकली ये पोस्ट है, और 10 दिन के अंदर अगर फॉर्म फिल करने के, जो है 29 तारीख तक जो है आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो 29 तारीख इसकी लास्ट डेट है, और इसके लिए यहाँ पर जो है आपको 100 रुपये का चालान भी लगना पड़ेगा, और ये पोस्ट निकल के आ रखी है डीपीएस में, ठीक है। तो डीपीएस पोस्ट निकल के आ दिल्ली पब्लिक स्कूल में जो बसंत कुंज में है, तो इसके लिए पोस्ट निकल के आ रखी है, तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, तो दिल्ली में पोस्ट है, ठीक है, इनके लिए आवेदन ट्राई कर सकते हैं जो भी करना चाहते हैं, और ये आप देखिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा, और इसकी ब्रांचेज आपको बहुत सारी मिल जाती हैं, तो उन सभी के लिए जो है आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, बाकी इसकी जो ऑफिशियल साइट है वहाँ से आपको देखने को मिल